आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है जो कि नया होगा, बिकॉज अभी तक की सीरीज़ में ये हमारा जार्विस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लेना। ये सीरीज़ बहुत ही डिटेल्ड में होने वाली है, जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं वो सारी पॉसिबल चीज़ें हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किया। तो आप लोगों को अगर याद हो तो हमने एक जार्विस का फोल्डर बनाया था और उसके साथ हमने VS Code को ओपन किया था, VS Code का इंस्टॉलेशन वगैरह किया था, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की थी। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यही चीज़ फॉर एग्जांपल्स किसी के पास पुराना PC है जिसमें 2 GB रैम है या 1 GB रैम है, तो क्या ये जार्विस उनके लिए काम करेगा? नहीं, उनके लिए काम नहीं करेगा। अगर वो काम करेगा भी तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? क्या वो जार्विस नहीं बनाएं? क्या वो चीज़ें नहीं सीखें? बिल्कुल सीख सकते हैं। उसके लिए क्या सलूशन है? उसके लिए सलूशन है कि आपको करना क्या है कि अपने ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र में आने के बाद आपको गूगल कोलैब टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब ये गूगल कोलैब क्या है मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जब आप स्टार्टिंग में कोडिंग सीखना स्टार्ट करते हो तो आपको इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट का नॉलेज नहीं होता है, जिसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? ऑनलाइन कंपाइलर्स का यूज़ करते हो। तो अगर आप एक ऑनलाइन कंपाइलर का एक स्टेप ऊपर ले जाओ, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर में आप चीज़ें सेव नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपका गूगल कोलैब है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप अपने कोड को, अपने पाइथन कोड को, अपने जितनी भी चीज़ें आप करना चाहते हो वो अपने गूगल ड्राइव से कनेक्ट करा के, आपको अपने ड्राइव से इसे कनेक्ट कराना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, साइन इन था, तो मेरा ये इंटरफेस आ रहा है। हो सकता है कि आपके सामने लॉगिन करने का या कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा हो। तो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि आप कैसे कोई भी चीज़ कर सकते हो, इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको मैं एक पांडास का एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, वो मैं दिखा देता हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप लोगों ने पिप का यूज़ बहुत किया होगा, तो यार यहाँ पे हमें कोई भी टर्मिनल नहीं देखने के लिए मिलता, तो कैसे हम यूज़ करेंगे? तो आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे आप जैसे ही इस सिंबल का यूज़ करोगे और कोई भी कमांड लिखोगे, पिप इंस्टॉल पांडास, और इसको रन करोगे तो वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन करके आप पूरे कोड को अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, सेव कर सकते हो, आपके ड्राइव में वो चीज़ें सेव रहेंगी, शेयर कर सकते हो, जो भी एरर आएगा उसको कुछ इस तरीके से मॉनिटर कर सकते हो और काम कर सकते हो। हाँ, अब रही बात उनकी कि जिनके पास 2 GB रैम है वो इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं और क्यों उनको ये यूज़ करना है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मेरा रैम यूसेज बहुत कम होगा जितना इस ब्राउज़र का है, वही उसी ब्राउज़र यूसेज में से थोड़ा सा रैम उठा के हम इसे दे देंगे और ये हमारा बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करेगा, इवन आपके VS Code से भी ज़्यादा एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आप गूगल कोलैब में ही करना चाहते हो, भले आपके PC के अंदर अच्छी रैम है, तो भी आप कर सकते हो, इसमें कोई नेसेसरी नहीं है। गूगल कोलैब एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, बट मैं VS Code इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज उसमें आप मैनुअली बहुत सारी फाइल्स जल्दी से सर्च कर सकते हो, मैनुअली चीज़ें आप एडिट कर सकते हो और वो ईजिली हो जाता है। अगर आप इसका एक मैं ड्रॉबैक बताना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे बैक जाऊँ तो आप कैसे एक नई फाइल बना सकते हो वो बता देता हूँ आपको। तो आपको न्यू नोटबुक में क्लिक करना है, न्यू नोटबुक में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है और ये लोड होके आपके सामने एक इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले, क्योंकि हमने आप लोग को पता हो, यहाँ पे आपको जेमिनाई का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, कि आप लोग को पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था स्पीच रिकॉग्निशन का फंक्शन। तो अगर मैं पिप इंस्टॉल स्पीच, यहाँ पे देखो सजेशन आने लगा मुझे स्पीच रिकॉग्निशन। अभी अगर मैं इसे रन करूँ तो रन करने के 2 तरीके, या तो मैं इस बटन में क्लिक कर दूँ या मैं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर दूँ। और शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते ही होगा क्या कि ये मॉड्यूल मेरे इस क्लाउड सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो क्या ये हमेशा के लिए हो गया? नहीं, हमेशा के लिए नहीं होगा। आपको जब भी इस कोड को रन करना होगा आपको एक बार इंपोर्ट और इंस्टॉल करना होगा। जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो कर रहा है क्योंकि बहुत सारे पैकेजेस ऑलरेडी इनसाइड में आपके इंस्टॉल्ड होंगे। अब जैसे यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल नहीं थे तो इंस्टॉल हो गए। यहाँ पे देख सकते हो कि उससे तो काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट ही है आपका। रिसर्च भी की है और मुझे रिसर्च से ये पता चला है कि बहुत सारी ऐसे
टूल्स हैं और बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो इसके अंदर सपोर्ट नहीं करते हैं। तो गूगल कोलैब कई बार अच्छा भी काम करेगा, कई बार ढंग से काम नहीं करेगा, क्योंकि गूगल कोलैब हमेशा पाइथन का डिफ़ॉल्ट वर्जन यूज़ करता है। ठीक है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह की इसे आप इसे इसका जो वर्जन है उसे डाउन नहीं कर सकते हो। और समटाइम्स में अगर सम केसेस में आप कर भी देते हो तो हर बार आपको वही चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी जब भी आप इस फाइल पे आओगे, और ऐसा हमको नहीं करना है। तो गूगल कोलैब कुछ हद तक ठीक है, अगर आपको कोई ट्रेनिंग मॉडल्स जो है तो उन्हें अपडेट करना है या उन्हें ट्रेन करना है या फिर क्रिएट करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए गूगल कोलैब इज़ बेस्ट। बट अगर आप कुछ प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो जैसे कि जार्विस, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप कंटिन्यू करो अपने VS कोड के साथ। ऑल राइट, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज हमने सीखा कि गूगल कोलैब का यूज़ करके कैसे भी आप किसी भी पैकेज को रन कर सकते हो, ओके। और साथ में आप अगर कहीं पे टेक्स्ट ऐड करना चाहो तो कुछ इस तरीके से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, स्विफ्ट एंटर प्रेस करते ही ये टेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा जो कि कमेंट का काम करेगा। यहाँ पे आप बाकी चीज़ें भी ऑपरेट कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे pip install लैंग्वेज मॉडल्स करूं और स्विफ्ट प्रेस एंटर कर दूं तो ये यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाएगा और सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अभी आपको इतना डिटेल में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यही बता दूं, जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि फास्ट है और अच्छे तरीके से जल्दी से पैकेज को डाउनलोड कर लेता है, और कुछ पैकेजेस का यूज़ करके हम इसे अपने PC में रन करते हैं जो कि बहुत ही कम रैम, बहुत ही कम डिस्क में चल जाता है। तो यहाँ पे चूँकि जो हमारा पैकेज है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो गया है, तो मैं इसका कोड लिखूँगा कुछ इस तरीके से, इम्पोर्ट लैंग्वेज मॉडल्स एज LM, और इसके बाद मैं लिखूँगा lm.do hello, इसके अंदर मैं प्रॉम्प्ट दूंगा हेलो और इसको करा दूंगा प्रिंट। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है ये फाइल फेच करने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेम चीज़ आप जब VS कोड में करने जाते हो तो इट विल टेक एटलीस्ट 10 seconds का टाइम। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसने पहली फाइल फेच करनी स्टार्ट कर दी है जो कि 2.242 की है, और इसने बहुत ही फास्ट तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, जबकि यही चीज़ अगर आप लोकली करने जाओगे तो इट विल टेक लिटिल टाइम। तो जो भी लोग आप गूगल कोलैब में कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको मैंने एक पाइथन का बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाइथन का इस वर्जन पे जो डिफ़ॉल्ट वर्जन है इसमें आपका पाई ऑडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप कोई भी वर्जन यहाँ पे ट्राई करोगे, जैसे कि अगर मैं 8 लिख देता हूँ और इसे रन करता हूँ तो मे बी इट विल इंस्टॉल एंड मे बी इट विल गिव द एरर लाइक दिस, बिकॉज इसके काफ़ी ज़्यादा वर्जन्स आ चुके हैं। अब अगर मैं जो सेकेंड लास्ट वर्जन है जो कि सबसे पहले वर्जन आया था, अगर मैं उसको भी ट्राई करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर जो पाइथन का 3.13 जो कि डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट चल रहा है उसके अंदर ये पैकेज कम्प्लीटली काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप खुद से ट्राई करो, अगर आपका चल जाता है तो इट्स ऑल राइट, और अगर आपका नहीं चलता है तो आप VS कोड की तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकते हो, या फिर अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक स्पीच टू टेक्स्ट बताया है, अभी आपको मैं बहुत सारे ऐसे स्पीच टू टेक्स्ट बताने वाला हूँ जिसका आप गूगल कोलैब के अंदर भी सारी चीज़ें कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने इसको हेलो दिया, यहाँ पे देखो हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, इसने मेरे को रिप्लाई दे दिया। अभी सेम चीज़ मैं इसे कॉपी करूँगा और सेकेंड टाइम रन करके देखूँगा, और मुझे 4 seconds में रिप्लाई चाहिए, और अगर इसने मुझे 4 seconds से कम में रिप्लाई दे दिया दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा फास्टर है। हेलो हाउ आर यू, मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट दिया इसे और इसे मैं यहाँ से रन करूँगा और लेट्स सी 0.1 सेकंड के अंदर इसका रिप्लाई आ गया। तो दैट मीन्स यार ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और गूगल कोलैब काफ़ी बेटर काम करता है लोकल की तुलना में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो अगर आप गूगल कोलैब का यूज़ करना चाहते हो तो गूगल कोलैब का यूज़ करो,
और अगर आप VS Code का यूज़ करना चाहते हो तो VS Code का यूज़ करो। बट हाँ, VS Code में आप बहुत सारी चीज़ें मैनुअली हैंडल कर सकते हो, जैसे कि अगर आपका पाइथन का वर्जन, जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मेरे पैकेजेस इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं अपना पाइथन का वर्जन चेंज कर सकता हूँ, लेकिन गूगल कोलैब के अंदर आपको ये सपोर्ट नहीं मिलता है। टिल नाउ इतना ही रखते हैं, अगर इसमें कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको अगली वीडियो में प्रेफर करके बता दूंगा, अदरवाइज हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट एंड एनी सजेशन फॉर दिस सीरीज, कमेंट नाउ एंड आई विल गिव यू द बेस्ट शॉर्ट आउट इफ योर कमेंट इज वैलिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।